उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ बर्बरता से रेप करा गया। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में 8 किलोमीटर तक, 2.5 घंटे तक पैदल घर घर जाकर लोगों से मदद मांगती रही, लहू बहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। यहां तक कि जब वो बेहोश हो गई तब जाके किसी ने उसको देखा और पुलिस को कॉल करी गई और एफआईआर दर्ज करी गई, पर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो दो बातें हैं, सबसे पहले तो जो भी दोषी हैं उनको तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है, मध्य प्रदेश को तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस को, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जिनका दिल में बिल्कुल दया नहीं आई, जब एक अर्ध नग्न लड़की घर घर जाकर लहू लुहान होकर, छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची, भीख मांगती रही मदद की और उन्होंने कोई मदद नहीं करी? तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? किस तरीके का देश हम बना रहे हैं, कितनी असंवेदनशीलता होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इस मामले में आप वहाँ की पुलिस से भी मांग करें, सरकार से भी क्या कोई अपील है कि सरकार इस मामले में सख्ती दिखाए, पुलिस को ऑर्डर करे? तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी की इनको सजा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत एक्शन में आकर अरेस्ट करना चाहिए। साथ में मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ, ये किस तरीके के हम हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर बिल्कुल दया का भाव नहीं है? किसी ने उस लड़की को कपड़े नहीं दिए, किसी ने उस लड़की को मदद नहीं करी, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं करी, 2.5 घंटे तक, 8 किलोमीटर तक लड़की पैदल घर घर गई है और उसके बावजूद उसकी मदद नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि हम सबको शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को, जो एक बच्ची को, लहू लुहान बच्ची को जिसके साथ रेप हुआ है, उसकी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हमने देखा इससे पहले रात अपील की कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई, क्या इस मामले में भी आप शिवराज चौहान को लेकर लिखेंगे? जी, मैं पत्र भी लिख रही हूँ और मैं अपील भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के केस इस देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। कैसे हमारी लड़कियां, कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, अगर इस तरीके के केस हर दिन, हर दूसरे दिन देश में होते रहेंगे। तो मैं पत्र भी लिखूंगी, लेकिन मेरी यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत अरेस्ट हो और सख्त से सख्त सजा इन दोषियों को।